बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे लेमन चिकन। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है, ठीक है। बोनलेस मैंने 800 ग्राम चिकन ली है, एक प्याली दही ली है और जो मक्खन लिया जी एक चम्मच है, जो खानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो वाला, ठीक है जी। और अनसाल्टेड जो मक्खन है, दो तो लेमन लिए, इसे काट लिए, एक टेबल स्पून लेमन जूस है, दो टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और मसालों में लिया है एक टीस्पून काली मिर्च ली है, ये आपने फ्रेश आपने इसे कूटना है, ठीक है, पीसना है। तो पहले वाली पीसी हुई नहीं लेनी। क्रश मिर्च ली है एक टीस्पून, एक टीस्पून नमक है और हाफ टी स्पून हल्दी ली है। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे मक्खन और इसे मेल्ट करेंगे, और साथ साथ आपने चम्मच चलाते जाना। डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा इसे भूनेंगे। इसमें डाल देंगे चिकन, थोड़ा सा लहसुन भूनने के बाद मिक्स करेंगे और अब इसे 4 से 5 मिनट हम भूनेंगे लहसुन में चिकन को। इसमें डाल देंगे सारे स्पाइसेस और साथ ही लेमन जूस, मिक्स करेंगे। अब इसे हम एक मिनट भूनेंगे। अब इसमें हमने डाल देंगे दही एक प्याली, तो प्याली बड़े साइज भी हो सकती है, जो देखने को छोटा साइज है, ठीक है। तो इसे हम मिक्स करेंगे और फिर इसे पकने देंगे। दही आपने जब भी डालना है इसे फेंट के डालना है कि इसकी गुठलियाँ ना हो। दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेप पे आके हम डालेंगे लेमन कटे हुए, मिक्स करेंगे और साथ इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। लेमन चिकन अब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे गार्निश करेंगे धनिया से, सब्ज़ मिर्च से और अदरक से, ठीक है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। लेमन चिकन रेडी हो चुके हैं और मैंने अपनी प्लेट भी बना ली है खाने के लिए। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जो टेस्टी बनेगा लेमन चिकन जो है। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं इसकी, बहुत सारे तरीक़ों से जो बनता है। एक मेरी आने वाली वीडियो में होगा लेमन चिकन चटहारेदार और दूसरी मेरी वीडियो होगी लेमन चिकन विद सॉस। लेमन चिकन विद सॉस जो है वो उबले हुए चावलों के साथ खाया जाता है, ठीक है जी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आमीन। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।